प्रगति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो थर्ड पार्टी की रीडिंग होने वाली है। कल जैसे हमने रीडिंग किया था और रीडिंग में काफी कुछ निकल कर आया था, थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के साथ में रहना चाहते हैं और उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालांकि आपके पर्सन जो है वो टू फ्रेम ऑफ माइंड्स में दिखते हैं। एक तरफ जो है वो सोचते हैं कि उनको इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन क्योंकि थर्ड पार्टी इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन जो है वो क्या कुछ एक्शन लेंगे, क्या वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में। और जैसे जैसे रीडिंग में हमारे मैसेजेस हमें मिलते जाएंगे, हम उस हिसाब से रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। गाइस, एक इंटेंस रीडिंग करेंगे। ना सिर्फ आज हम कैंडल वैक्स के जरिए देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और इस सिचुएशन में क्या कुछ आगे होने वाला है, बल्कि हम यहाँ पर आज कार्ड्स भी देखेंगे और कार्ड्स से भी निकालने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है सिचुएशन को लेकर। ऑलराइट, ओके, सो चलिए गाइस, बिना कुछ देरी किए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आपको बता देती हूँ, हमेशा की तरह एक जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं बस उतने ही मैसेजेस आपने रखने हैं। ऑलराइट, सो चलिए गाइस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। एंजल्स, एंसेस्टर्स, ऑल माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या कुछ चल रहा है। ओके, क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऑलराइट, सो गाइस यहां पर मुझे सैजिटेरियस के बहुत फील मिलते हैं। सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज एंड लीब्रा। सो गाइज यहां पर देखिए एरीज, लीब्रा, सेजिटेरियस एंड वर्गो, इनके यहां पर मुझे बहुत फील मिलते हैं। गाइज यहां पर नंबर 11 बहुत स्ट्रांगली मुझे समझ में आ रहा है, नंबर 11, नंबर 4, यहां पर मुझे नंबर 14 एंड नंबर 9 यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज देखिए आपके जो पार्टनर हैं यहां पर थर्ड पार्टी को लेकर इनके दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। ये सिर्फ आगे के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनके जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको लेकर अब फ्यूचर में इनको आगे जो है ये रिलेशनशिप सर्व नहीं करेगा, इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर मुझे बनते हुए दिखाई देते हैं। आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि ये जो सिचुएशन पास्ट में हुई है इनकी थर्ड पार्टी को लेकर, ये जो सिचुएशंस हैं इनको ये किसी भी तरह से अवॉइड नहीं करना चाहते हैं। अवॉइड इन द सेंस कि ये इन सिचुएशंस को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इन सिचुएशंस को ये पूरा अच्छी तरह से ध्यान में रखें और उसके बाद ही अपने फ्यूचर का कोई डिसीजन लें। लेकिन गाइज यहां पर ये मुझे थर्ड पार्टी के पास वापस जाते हुए नहीं दिखते हैं। इन्होंने बहुत अपना माइंडसेट जो है इनका इन्होंने बना लिया है कि इनको अब थर्ड पार्टी की साइड में नहीं जाना है और इनको जो है अपना खुद से जो है डिसीजन लेना है, चाहे थर्ड पार्टी इनको कितना भी इन्फ्लुएंस करे, चाहे थर्ड पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन इन्होंने जो है अपना माइंडसेट अब बना लिया है खुद के लिए, स्टैंड लेने के लिए अब पूरी तरह से रेडी हैं। गाइज आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं अब तक ये थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा डोमिनेट होते थे, तो अब ये जो है उनसे डोमिनेट नहीं होंगे, ये सिर्फ वही करेंगे जो इनका दिल चाहता है। बिल्कुल इन्होंने पक्का सोच लिया है। गाइज यहां पर मुझे वी लेटर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली समझ में आ रहा है। सो ये आपका आपके पार्टनर का या फिर थर्ड पार्टी के नाम या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। यहां पर मुझे वी बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रहा है। गाइज देखिए
कुछ लोगों के केस में आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी मैरिड हैं और आपके पर्सन आपसे मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो है यहाँ पर, लेकिन जो थर्ड पार्टी हैं ये अपने करंट पार्टनर से मुझे बहुत नाखुश लग रहे हैं। आपके पार्टनर से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ना सिर्फ इमोशनली बल्कि फिजिकली भी ये बहुत मुझे यहाँ पर अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी जो है वो ट्राई करेंगे कि अगर इमोशनली ना सही तो ये फिजिकली होने की बिल्कुल कोशिश करेंगे आपके पार्टनर के साथ में। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे जो है आपके पार्टनर थोड़े से टफ माइंडसेट में दिखाई दे रहे हैं और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है इनके साथ किसी भी तरह का कोई संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। गाइज, यहाँ पर मुझे एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ दिखता है और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ये एक कार्मिक रिलेशनशिप था जिसका एंड होते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। गाइज, यहाँ पर देखिए, विद दिस रीडिंग यहाँ पर एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस साइकिल, विच सेज कि यहाँ पर जो है एंड हो रहा है साइकिल का। और ये जो साइकिल है ये अब यहाँ पर मुझे बिल्कुल कंप्लीशन की ओर दिखाई देता है। सो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप था, जिस भी तरह का मेंटल या इमोशनल बॉन्ड था, वो अब मुझे यहाँ पर 0-0 होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि ये अब दोबारा थर्ड पार्टी की साइड जाए। एक मेंटल ब्लॉकेज यहाँ पर मुझे होता हुआ दिखाई देता है। गाइज, बिल्कुल ये किसी भी तरह से थर्ड पार्टी की कोई भी एनर्जीज को रिसीव नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल एक अगर मैं आपको यहाँ पर अपने कार्ड्स की भाषा में बताऊं तो यहाँ पर मुझे एक हर्मिट की एनर्जी नजर आती है। गाइज, हर्मिट की एनर्जी में जा चुके हैं आपके पार्टनर, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जा चुके हैं। इन्होंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, इस बात का इनको अभी पूरी तरह से एहसास हो रहा है। खुद ही खुद के विचारों के जाल में ये जो है मुझे थोड़े से घिरे हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक क्लैरिटी इनके दिमाग में आ चुकी है। इनको पता चल चुका है कि अभी इस रिलेशनशिप में इनको आगे क्या करना है। सो गाइज, जो हमारा आज का बेसिक क्वेश्चन है कि क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर गाइज दिस रीडिंग सेज कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पर गाइज, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर या तो लियो हैं या फिर थर्ड पार्टी लियो हैं, और यहाँ पर मुझे एक लीब्रा की बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील होती है। सो विद दिस लीब्रा यहाँ पर गाइज, आपके पार्टनर काफी कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि इन्होंने किसी के साथ गलत किया है जिसका कि इनको यहाँ पर परिणाम देखने को मिल रहा है। और अब जो ये हैं इस गलत को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इस गलत को ये सही करना चाहते हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। गाइज, थर्ड पार्टी ये जो भी है, थर्ड पार्टी इनके लिए आपके पर्सन के दिल में थोड़े से यहाँ पर मैं टॉक्सिसिटी आते हुए देखती हूँ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं अब इनके बारे में पहले जैसी चीजें नहीं सोच रहे हैं, बल्कि इनको ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो अपने हिसाब से चीजों को इनको प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं। जब उनकी मन होता है या मर्जी होती है तब उन्होंने इनको यूज किया है। इस तरह के फीलिंग्स अब आपके पार्टनर को जो है वो आने लगे हैं। गाइज, कुछ लोगों के केस में यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं थोड़े से तंग आ चुके हैं एक डोमिनेंट बिहेवियर से थर्ड पार्टी के, और आप ये जो है किसी भी तरह से थर्ड पार्टी से यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं होना चाहते हैं। ये अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं और ये जो है चीजों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इनको बिल्कुल अब पसंद नहीं आ रहा है कि कोई इनकी पर्सनल जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करे। यहाँ पर गाइस, कुछ लोगों के केस में मैं आपको इतना भी बता देना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी चाहे कुछ लोगों के केस में ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी दूर रहते हुए भी शायद इन्होंने आपके पर्सन के ईमेल्स के या इनके जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उनके पासवर्ड्स शायद ले रखे हैं और ये वहां से भी इनको स्पाई करते हैं और इन पर पूरी नजर बना के रखते हैं। ये चीजें अब तक तो आपके पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम नहीं
नहीं दे रही थी, लेकिन अब ये चीजें जो हैं आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रही हैं। आपके पार्टनर को एक कंप्लीट फीलिंग मिल रही है कि ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और इनके प्राइवेट स्पेस में इतनी ज्यादा दखल अंदाजी इनको जो है पसंद नहीं आ रही है। थोड़ा फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं, इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर इनको अब पसंद नहीं आ रहा है, और इनको ऐसा भी लगता है कि ये डोमिनेशन ये झेल रहे थे, लेकिन अब जब इस रिलेशनशिप में इनको प्यार फील नहीं हो रहा है और एक सेल्फिशनेस की कंप्लीट फीलिंग मिल रही है, तो अब ये जो हैं इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में ज़्यादा अपना टाइम देना नहीं चाहते हैं। वैसे यहाँ पर मैं एक अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम देख रही थी, जहाँ पर कि आपके पर्सन जो हैं वो बस खुद के ही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इसलिए ये इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप में इनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, इन्होंने बहुत सारी सिचुएशन को यहाँ पर सोचा है, खुद से उसके बारे में बहुत एनालाइज किया है, और अब कहीं जाकर ये जो है इस डिसीजन पर पहुंचे हैं कि ये थर्ड पार्टी के साथ में रहना नहीं चाहते हैं। ओके सो गाइज, देखिए क्लियरली यहाँ पर हमें अपने कैंडल वैक्स से तो पता चला है, कैंडल वैक्स रीडिंग में क्लियरली निकल कर आ चुका है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने अपना माइंड जो है वो सेट कर लिया है, और अब जो है वो थर्ड पार्टी की साइड जाना नहीं चाहते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम अपने कार्ड से भी निकाल कर देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पार्टनर चाहते हैं, क्या सिचुएशन है। ओके ऑल राइट, सो चलिए गाइज अब हम अपनी कार्ड्स वाली रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके सो चलिए गाइज, बिना कुछ देरी किए एक बार हम अपने टैरो से भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी को लेकर। यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो थर्ड पार्टी का जो भी प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करेंगे, क्या वो थर्ड पार्टी के पास वापस चले जाएंगे, क्या कुछ होने वाला है, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताएं यूनिवर्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है यूनिवर्स, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए। ऑलराइट, ओके ऑलराइट, एरीज लियो सैज, एरीज लियो सैज, एरीज लियो सैज, अगेन एरीज लियो सैज। गाइज रीडिंग में भी हमारे पास एरीज स्ट्रांगली निकल कर आया था, सैजिटेरियस भी आया था, लियो की बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी, एरीज लियो सैज। ओके ऑलराइट, ओके हियर वी हैव अ जस्टिस विद अस, जस्टिस के हमारे पास यहाँ पर फीलिंग्स हैं। ओके लिब्रा, हमारे पास सेम ज़ोडियक्स निकल कर आ रहे हैं गाइस, ये कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके ओके जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, ओके ओके सो गाइस देखिए यहाँ पर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमको मिलती है विद दिस कार्ड्स। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं ये बिल्कुल भी इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि यहाँ पर जो है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर विद दिस फाइव ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो दो कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, ये दो कार्ड्स यहाँ पर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कार्ड्स की आपके जो पर्सन है एक बड़े चेंज को लाना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में, और इस चेंज को लाने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस रिलेशनशिप से इनको जंप आउट करना है। बिकॉज यहाँ पर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप से ये तंग आ चुके हैं, बल्कि इनके दिल और दिमाग में भी इस बात को लेकर इतनी जद्दोजहद चल रही है कि ये खुद से ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इनका दिल कुछ कहता है, इनका दिमाग कुछ कहता है,
और फिर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। लेकिन ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर लगाते हैं तो यहाँ पर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग इनको मिलती है कि इस रिलेशनशिप में अब नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जब भी बात करते हैं तो कोई लड़ाई हो जाती है। इनको लगता है कि थर्ड पार्टी जो है वो इनकी बातों को समझते नहीं है, बल्कि इनसे हर छोटी छोटी बातों में लड़ाई करने लग जाते हैं। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। इनको यहाँ पर एक फीलिंग ये भी मिलता है कि ये थर्ड पार्टी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कुछ भी करें, लेकिन थर्ड पार्टी को हमेशा ही शिकायत रहती है। और यहाँ पर गाइस कुछ लोगों के केस में आपको बता देती हूँ, अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हैं और ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं, तो विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इन कॉम्बिनेशन विद फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके जो पर्सन है मुझे थोड़ा सा रिग्रेट की एनर्जी में दिखते हैं कि इन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब कर ली है एक ऐसे इंसान के वजह से जिसको कि इन्होंने चाहा, प्यार किया, लेकिन इस इंसान ने इनको यूज किया है। और अब जो है ये इंसान जो है इनके फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा है, इनके इमोशंस की जो है कदर नहीं कर रहा है। सो गाइस कुछ और कार्ड्स यहाँ पर लेंगे और जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो और क्या सोच रहे हैं और क्या वो इस रिलेशनशिप में आगे जाएंगे। एक फाइनल कंफर्मेशन यहाँ पर हम अपने टैरो से लेंगे। ओके ऑलराइट यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और सिचुएशन में थोड़ी और क्लैरिटी दीजिए। ओके थ्री ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो ओ माय गॉड। देखिए गाइस फाइव ऑफ वॉन्ड्स के एग्जैक्ट नीचे यहां पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। ऑलराइट सो गाइज यहाँ पर हो सकता है कि कोई छोटा मोटा गैदरिंग हो या आपके पर्सन का बर्थडे हो या थर्ड पार्टी का बर्थडे हो, कोई छोटा मोटा ऐसा गैदरिंग है जहां पर कि ये दोनों एक साथ उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से वरीड हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है इनकी शायद लोगों के बीच में भी इंसल्ट कर देते हैं, इनको कुछ भी बोल देते हैं अपने शब्दों पर और अपने बिहेवियर पर इनको काबू नहीं रहता है। इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। फोर ऑफ पैनिकल्स के मे वन मोर कार्ड यूनिवर्स एक कार्ड और दे दीजिए। ओके पेज ऑफ सॉर्ड्स तो यहाँ पर गाइस देखिए एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कार्ड्स। यहाँ पर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपके जो पर्सन हैं ये इस रिलेशनशिप में अब रहना नहीं चाहते हैं। डिसीजन लेने में इनको थोड़ा देर हुआ है, थोड़ा डीले हुआ है कुछ लोगों के केस में, और कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी डीले कर रहे हैं। लेकिन ये जो डीले कर रहे हैं आपके पार्टनर, में बहुत छोटा सा सेट ऑफ पीपल के लिए बात कह रही हूँ गाइज, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ पीपल ने यहाँ पर डिसीजन ले लिया है कि इनको थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है। और जो छोटा सा सेट ऑफ पीपल है वो अभी भी कुछ फैक्ट्स को खंगाल रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में इनको रहना चाहिए। विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स इन कॉम्बिनेशन विद नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपके जो पार्टनर हैं ये थर्ड पार्टी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो गैदर कर रहे हैं, शायद ये थर्ड पार्टी को स्पाई भी कर रहे हो। इस तरह के फीलिंग्स भी यहाँ पर मिलते हैं। तो गाइज ये सारी चीजें, अगर ये थर्ड पार्टी के बारे में इतना सब कुछ सोच रहे हैं तो ये आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या, या फिर ये आपके बारे में आपके पास आने के बारे में कुछ इनके दिमाग में सोच चल रही है क्या, एक बार ये चेकआउट जरूर करना चाहूंगी। ओके आपके बारे में क्या सोच रही है, क्या इनके दिमाग में चल रहा है मेरे व्यूअर्स के बारे में यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए। ऑलराइट सो यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके बारे में क्या चल रहा है इनके पार्टनर के दिल में, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताइए। ओके ऑलराइट गाइस देखिए फर्स्ट कार्ड ही निकल के आया है फोर ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर। ओके सो गाइस यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं बहुत दुख हो रहा है इनको, आपके बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो कि शायद
इनकी जिंदगी में इनको प्यार करने के लिए आया था, इनकी परवाह करने के लिए आया था। आपने इनकी जितनी केयर की है, ये बहुत दुखी हो रहे हैं सारे मोमेंट्स को सोचकर, सारे पलों को सोचकर, और इनके दिल में बहुत सारे बातें जो है, बहुत सारे ख्याल जो है वो इनके दिल में चल रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है। गाइज देखिए, सारे कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। गाइज यहाँ पर देखिए, हमने थर्ड पार्टी के लिए जो भी रीडिंग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट की है, स्प्रेड की है, उसमें कहीं भी हमारे पास कोई कप्स की फीलिंग नहीं आई है, एक्सेप्ट दिस जो कि एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। और हमने यहाँ पर आपकी रीडिंग निकाली है, इसमें जो है प्यार वाली फीलिंग निकल के आती है, एक रिग्रेट वाली फीलिंग निकल कर आती है। अब इनको लग रहा है कि मैंने गलत किया या मैंने सही किया, मैंने क्या किया, इनको अब समझ नहीं आ पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कोई रास्ता इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है मैं क्या करूं तो मैं वापस अपने प्यार को पा लूं, मैं क्या करूं तो मेरी जिंदगी में वापस वो इंसान आ जाए जो मेरी परवाह करता था। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया है। गाइज किसी किसी के केस में यहाँ पर सेवन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव रिसीव्ड टू सेवन्स हियर, ओके, सो सेवन एंड सेवन। सो गाइज यहाँ पर सेवन नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर फाइव नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, सो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। आपकी पर्सन सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा, फ्यूचर में आप ये आपके पास जाना चाहते हैं तो ये कैसे जाएं, क्या करें, और क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह के फीलिंग्स इनके दिल में आ रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि जब इन्होंने एक कहावत है जो शायद इनको याद आ रही होगी कि जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए, तो जब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जब इतने कांटे बो रखे हैं अपनी जिंदगी में तो इनको आपका प्यार कैसे मिलेगा। इनको ऐसा भी फीलिंग होता है कि इन्होंने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, अब अगर ये लौटकर आपकी जिंदगी में आते हैं वापस तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या आप इनको अपनाएंगे या आप इनको नहीं अपनाएंगे या क्या होगा आगे, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सोच बहुत कुछ रहे हैं, इनके दिल में सोच जो है वो बहुत सारी चल रही है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, द लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग एंड दी फाइव ऑफ कप्स। गाइज देखिए यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल फाइव निकल कर आया है। एंड विद दिस लास्ट कार्ड फाइव ऑफ कप्स, गाइज यहाँ पर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलती है कि आपकी जो पर्सन है शायद आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं, शायद आप अभी भी इस चाहत में हैं कि ये जो है आपके पास लौट कर आ जाए। लेकिन अभी इस वक्त आपके जो पर्सन है वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपके पास लौट कर आएंगे तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया गुजर चुकी है, कुछ बचा नहीं है इनकी लव लाइफ में, शायद इन्होंने आपको खो दिया है। लेकिन शायद ये पलट कर देख नहीं पा रहे हैं कि आप अभी भी, आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं। सो गाइज आपके जो पार्टनर हैं मुझे बहुत दुखी इमोशन में लग रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ये। हो सकता है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर ऐसे हैं ये जो कि रात में ये सो नहीं पा रहे होंगे, अगर दिन में भी ये काम पर भी जाते होंगे तो इनके दिमाग में यही चलता रहता होगा कि अपनी पर्सनल जिंदगी को किस तरह से सुधारा जाए, क्या किया जाए, किस तरह से आपसे बात की जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस कि अपने किसी बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव से इस बारे में बात कर रहे हैं और इस बारे में राय लेना चाहते हैं, उनकी एडवाइस लेना चाहते हैं। गाइस कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर एक क्लियर मैसेज मिल रहा है कि शायद आपका और इनका रिलेशनशिप जो है वो कोर्ट तक पहुंच गया है, शायद आप लोग एट दी वर्ज ऑफ सेपरेशन है, लेकिन ये इंसान मुझे अपना इरादा बदलते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले 5 महीनों में या 5 हफ्तों में, 5 is the number गाइज, ये जो है अपना डिसीजन बदल कर मुझे आपके पास आते हुए दिखाई देते हैं। गाइज एक जनरल रीडिंग है, इसके बेसिस पे आपको कोई भी अपने जिंदगी का डिसीजन नहीं लेना है। ये एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी के लिए आप किसी अच्छे टैरो रीडर से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ओके, सो गाइज फिलहाल के लिए यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल कलरफुल रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपना बहुत अच्छा रखिए ख्याल।